नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हम शिमला ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। जी, इस ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर ले। वहाँ डेली लाइव आते हैं और सबसे ढेर सारी बातें होती है, लाइव कॉल भी लेते हैं। ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप यहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जी, शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। जैसा कि आपको पहले बताया था कि फर्स्ट डे हम जो है शिमला का लोकल टूर किए और सेकेंड डे हम कुफरी और नारकंडा गए थे। जी, असल में प्लान तो था कि हम सिर्फ कुफरी ही जाएंगे, लेकिन जो वहाँ के होटल ओनर थे उन्होंने कहा कि कुफरी में आपको बर्फ नहीं मिलेगा, आप नारकंडा चले जाओ। तो हम कहे चलो भाई नारकंडा ही चले जाते हैं, ये लोकल आदमी है, इनको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। तो हम जी सुबह उठ गए, खूब एक्साइटेड थे, अब हम जाएंगे नारकंडा, खूब एक्साइटेड थे। और जब हम उठे तो लगभग हम लोग को निकलना था 8 बजे ही, लेकिन हम लोग सुबह के 5 बजे ही उठे, एकदम तैयार थे बिल्कुल कि अब लेंगे एकदम। फिर क्या हुआ जी, नहीं कहते हैं जब किसी चीज का इंतजार करो तो और भी इंतजार बढ़ जाता है। तो जी उस दिन भी ऐसा ही हुआ, हम 8 बजे के लिए ही तैयार थे कि 8 बजे पक्का निकल जाएंगे, और उसके लिए उठ गए थे सुबह 5 बजे ही, लेकिन पहले तो 3 घंटा वहाँ इंतजार किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन लग गया जाम, भयंकर जाम, पूछिए मत। 31 दिसंबर का समय था, उस टाइम टूरिज्म पीक पर रहता है। जो भी शिमला के लोग होंगे या जो भी शिमला गए होंगे आपको पता होगा ये बात कि जनवरी दिसंबर में खूब भीड़ रहती है शिमला में। तो जी गाड़ी आई ही नहीं, गाड़ी आई लगभग 10:30 बजे। हम कह रहे गाड़ी आई नहीं। और उस होटल वाले को भी जो हम परेशान कर रहे थे, कहाँ है गाड़ी। अब परेशान किए थे, वो भी सोच रहे हैं यार किस बंदे से पंगा पड़ गया था मेरा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जी अब आ ही नहीं रहे तो हम क्या करें, जाम है ये। फिर हम भी कहे कि चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। तो इंतजार किए तो गाड़ी आई जी। फिर हम लोग अपना गाड़ी पर चढ़ गए और फिर निकल लिए हम लोग नारकंडा की तरफ। जब हम नारकंडा की तरफ जा रहे थे तो वो ड्राइवर साहब थे वहाँ पर, ड्राइवर साहब एकदम निकले हम लोग के बड़े हितैषी, असल में निकले नहीं हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। तो जी उन्होंने कहा कि जी आप नारकंडा क्यों जा रहे हो, कुफरी में सब कुछ बर्फ है तो आप नारकंडा क्यों जा रहे हो। हमें पता नहीं था कि असल में कुफरी में उनका कमीशन है, वहाँ पर कुफरी में जो एक्टिविटी होती है ना वहाँ पे उन्होंने अपना कमीशन लगा रखा था कि मेरा इतना बंदा आएगा तो इतना कमीशन मुझे मिलेगा। भांजी हुआ ऐसा कि हमने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, हमने कहा कि ठीक है जी कुफरी ले चलो, क्यों तो अपना नारकंडा उतना दूर जाएंगे हम। अब हम कुफरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी करने वाले हैं और यहाँ लूटने वाले बहुत हैं। क्या सी क्या पैकेज दिखाएंगे, सभी ऐसे दिखाएंगे कि आपके वो चाहने वाले नहीं, आपके हितैषी हैं, अच्छे आदमी, आपका ख्याल रख रहे हैं, बच के रहना ऐसे लोगों से। ऐसे यहाँ तक कि ड्राइवर जो होता है वो भी बिल्कुल, ड्राइवर हमारा खास बन रहा था, पहचान लिए क्या आदमी है। तो हम फिसला है ठीक से, कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। चलो आराम से नीचे ही चलो। ये देखो आगे हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं, वहीं से हमारा भी नंबर है 33वां, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, हॉर्स राइडिंग में टिप देना चाहूंगा मैं, जो भी कुफरी से हॉर्स राइडिंग करेंगे जहां पर टैक्सी सब लगता है तो वहां से आप नहीं लीजिए हॉर्स राइडिंग का, वो जो बुकिंग होता है वो सब वहां नहीं कीजिए, वहां आपको 500 रुपये लेगा। और जहां से हॉर्स राइडिंग होता है हाँ। आप वहां चले जाइए तो वहां 350 रुपया के करीब हाँ। लेगा। मैंने इनको बोला कि हम देखे थे वीडियो, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी, कभी कभी बीबी की भी सुनना चाहिए, समझे जी। फिर हम निकल लिए हॉर्स राइडिंग के लिए जी। जब हम हॉर्स राइडिंग पर निकले ना, मजा जो आया पूछिए मत। ये जी हॉर्स राइडिंग कुफरी की, आगे देखो बर्फ ही बर्फ, जितनी उम्मीद थी बर्फ की उतनी तो है नहीं, फिर भी चलो हिल स्टेशन है, कुछ भी है, यहाँ आने का मजा तो है ही। हाँ जी ओके, सोच रहा हूँ कोई हमारा कैमरा पकड़ ले और हम दोनों की वीडियो शूट कर ले एक फ्रेम में, या बस मैं ही कैमरामैन बना पड़ा हूँ। देखता हूँ किसी भाई से ट्राई करता हूँ, अगर वो ले ले हमारी कोई वीडियो, दोनों की एक साथ ही चलने लगी। ये देखो
पता नहीं कितने देर की राइड है, मैं तो चाह रहा हूँ जितनी देर की राइड रहे उतना मजा, बहुत मजा आ रहा है। ये आगे हाँ आगे रहते तो हाँ, नहीं तो तुम्हारा ही आ रहा है, मेरा कहाँ आ रहा है, फ्रेम में तुम ही हो, फिक्र मत करो। मेरा ही नहीं है कोई लेने वाला। ये एडवेंचर था, हमको तो बहुत डर लग रहा था, हमको तो लग रहा था ये भगवान इस लास्ट टाइम, लगता है आप कभी घूम नहीं पाएंगे, कहीं घूम नहीं पाएंगे। ये जो है बोल के आ रही थी, सुनो ना, ये हॉर्स पर क्यों जाओगे, पैदल चल कर ही हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो असल में इसको डर क्यों लग रहा था ना, बगल में ही ढेर सारा घोड़ा को देख रही थी फिसल रहा था, ढेर घोड़ा फिसल रहा था। आपको क्या हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा हॉर्स से गिर गया था और उसका मतलब पूरा शरीर पे हॉर्स जो अपना पैर रख रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया। उसको देखने के बाद तो और मेरा इतना डर लग रहा था कि अब ये लास्ट एक्टिविटी रह गया। सच में पता नहीं, इतना छोटा बच्चा था, लगभग लगता है 8 महीना का होगा, 10 महीना का होगा, उसको घोड़ा पर लेकर के जा रहा है गोद में लेकर के, एक तो संभालना मुश्किल है एक हाथ से। हाँ, क्योंकि पूरा हिल्स था ना, ऐसे ऐसे घोड़ा जंप कर रहा था ना। फिर हम पहुंच गए चोटी पर, और जब वहाँ चोटी पर पहुंचे तो वहाँ पर याक सब था, पर बैठ करके फोटो खिंचवा लिए, फिर विलन जैसा बन के एकदम। I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in. तो वहाँ पर फोटो खिंचवाए, जब वहाँ पर पहुंचे याक के पास, तो वहीं से आगे सब था जाने का कुफरी में टेलिस्कोप। वहाँ पे क्या हो रहा था, सब कोई फिसल के गिरे जा रहा था। हाँ, वहाँ जब जो भी पैदल भी चल रहा था, इतना कीचड़ था वहाँ पर, तो उस कीचड़ में भी इतना फिसल रहा था लोग। तो हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि जब भी आप लोग जाओ तो वहाँ पे जो शूज मिलता है वो शूज पहन के जाओ, ये तो बहुत फिसलोगे। बिल्कुल, वहाँ जो जूता देते हैं वो लोग, वो जूता जरूर पहनिएगा। एक चीज था, जहाँ पर हम लोग बुकिंग करवाए थे वहाँ ले लिया था हम लोग से लगभग कितना 150 रुपया ले लिया था शू का, या 250 रुपया लिया था, 250। और जब वहाँ पर चोटी पर पहुँच गए वहाँ पर 50 रुपया ले रहा था। हाँ जी, फिर वहाँ से पहुँच गए हम लोग टेलीस्कोप पॉइंट, हो रहा है वहाँ टेलीस्कोप पॉइंट, टेलीस्कोप से बहुत सारे दिखे, थोड़ी बहुत बर्फ दिखती है इस साइड, उस साइड बाकी कुछ बर्फ है नहीं। और अब हम कुफरी से नीचे की ओर जा रहे हैं पहाड़ से। क्या मजा आ रहा है, शरीर पीछे रखना। कोई नहीं, अब तो आते समय तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। जय माता दी। क्या ये तो थोड़ा मजा फीका रह गया, हम लोग उम्मीद करके आए थे कि खूब बर्फ देखेंगे, खूब देखेंगे, न्यूज में भी बर्फबारी का खूब सुन रहे थे हम लोग, इसीलिए हम छुट्टी ले लिए थे कि नहीं अभी ही जाएंगे हम, पीक सीजन है। और जब वहां पर गए तो हमें उतना बर्फ नहीं मिला, तो हम भी क्या किए, नहीं घूमे इधर उधर जो भी जगह था, फिर हम सोचे कि चलो अब कुफरी से लौट चलते हैं। और वहां लोगों से पूछे कि नारकंडा चले जाए, नारकंडा में बर्फ मिल जाएगा, तो कहा कि जी नारकंडा में तो बर्फ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन आप हाटू पीक जरूर जाइएगा वहां पर, तो आप वहां जरूर जाइएगा, वहां नहीं गए तो बेकार है फिर आपका जाना। तो हम कहे कि ठीक है जी हम चले जाएंगे वहीं पर। फिर जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो है उसको हम बोले हमको नारकंडा लेकर के चलिए, वो तो मना कर रहा था, आप छोड़ दीजिए यहीं कुफरी में घूम लिए, कुछ नहीं मिलेगा नारकंडा में। कहे नहीं जी हमें घूमना है, क्योंकि उस पर से नहीं मेरा भरोसा खत्म हो गया था, जो बात खाता था उसका हम उल्टा कर देते, क्योंकि इतना भरोसा खत्म हो चुका था उस ड्राइवर पर मेरा। तो जी हम लोग कुफरी से निकल गए नारकंडा की ओर।
can feel it. That you are the one, oh baby, be mine. I can feel it. Like the rays from the sun, you bring the sunshine. नारकंडा पहुंचे। फिर नारकंडा पहुंचकर हमने कहा कि चलो ऑटो पिक लेकर के चलो। तो टैक्सी ड्राइवर बोला कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, खरी चढ़ाई है, ऐसा ऐसा करके। हमने कहा जी, तब हमने क्यों टैक्सी बुक किया है? जो हम घूमना चाह रहे हैं वो घूम ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे भी बाल बच्चे हैं, ऐसे वैसे। अब ऐसा बात कहा हम, कहे चलो भाई छोड़ो, वहाँ पर देख लेंगे कुछ लोकल, अगर कुछ जुगाड़ हो तो वहीं से हम लोग घूम लेंगे। तो जी हम लोग ऑटो पिक से लगभग 7 किलोमीटर पहले ही रुक गए। तो वहाँ पर देखे कि कोई भी टैक्सी सब नहीं जा रहा था, वहाँ पर सब पैदल जा रहे थे। और कुछ वो भी था ओपन जीप करके जो था, वो भी आधा दूर लेकर के जा रहा था, और वो लगभग 300-300 रुपया ले रहा था, और वो भी आधा दूर। हम कहे कि यार फिर 300 रुपया दे करके आधे ही दूर जाओ, क्या फायदा फिर वहाँ जाने का? और जिया पैदल चलने के कंडीशन में थी नहीं, हम तो चले जाते अकेले, 7 किलोमीटर था वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं था हमको। लेकिन इसका हालत खराब था, तो हम कहे कि छोड़ो, फिर वहीं से हम लोग लौट गए। और सच में बहुत मिस किए हम, हमें लग रहा है कि ऑटो पिक चले जाना चाहिए था किसी भी तरह से। वहाँ का तो नज़ारा फिर हम इंटरनेट पर आकर के देखे ऑटो पिक का, ओह जी बहुत अफसोस हुआ कि क्यों नहीं गए हम वहाँ पर। फिर जी हम वहाँ से वापस लौट गए। और हम लोग कौन सा लेक गए थे? हाँ, एक लेक भी था, उस लेक का नाम नहीं हमें ध्यान। हम लोग लेक गए थे, वहाँ लेक पर भी नहीं जाना चाह रहा था वो ड्राइवर, कह रहा था कि नहीं वो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा वो सब। लेकिन हम थे वो जो बोलेगा उसका उल्टा करें, तो हम उसको जीत करके हम वहाँ पहुँच ही गए। तो जी हम लोग लेक पर थोड़ा बहुत समय बिताए, वहीं आसपास घूमे। हम तो जान रहे थे कि अब तो बर्फ है नहीं, तो यहीं पर थोड़ा समय बिता लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से हम लोग लौटने लगे। जब लौटने लगे तो रास्ते में बर्फ था थोड़ा बहुत, हम लोग रास्ते में ही गाड़ी को रुकवा लिए और वहीं पर हम लोग अपना एंजॉय करने लगे रास्ते के बगल वाले बर्फ पर ही। तो थोड़ा वो देखिए, आप लोग वीडियो देखिए आगे का। पर लिखने की कोशिश कर रहे थे बहुत कुछ, लेकिन कुछ दिखने नजर नहीं आ रहा वो। ये देखो, ओए ओए पागल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो। तो मेरी ओए, ये लो, ये मेरा पूरा कैमरा बर्फ से भर गया। ओए पागल, कहाँ है बर्फ? ये लो, चलो नहीं अब चलो घर। फिर आगे जब गए तो वहाँ देखे कुछ लोग सब जमा थे वहाँ पर, वो लोग भी बर्फ पर खेल रहे थे। हम लोग कहे कि चलो भाई इन्हीं सब के साथ एंजॉय कर लो। वहाँ गए तो वो लोग स्नोमैन बना करके रखे थे। हाँ, हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग भी इसके साथ पिक क्लिक कर लो, हम लोग भी पिक क्लिक कर लिए। और उन्होंने हमारी बहुत सारी फोटो भी क्लिक की, और वो लोग पोज बता रहे थे ऐसे ऐसे पोज कीजिए, हम फोटो क्लिक करेंगे। वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन बिल्कुल जी, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, कुछ देर क्या, खूब एंजॉय किया, सबसे ज्यादा एंजॉय। हाँ, वहीं पर किया था हमने सबसे ज्यादा एंजॉय। और लगभग क्या हुआ था, हम लोग का जो बर्फ, हम लोग के जूते में बर्फ घुस गया था, क्योंकि ऊपर चल रहे थे हम लोग, ये तो कांपने लग गई थी, थरथराने लग गई थी वहाँ पर। सब चीज में हम ही को फंसा देते, हम ही को फंसा, हमको थोड़े हुआ था, तुम ही कर रही थी पागल जैसा। वहाँ पर नहीं ऊपर जाएंगे, असम्भला हो नहीं रहता है, ऊपर चलती थी गिरती थी धम वहाँ पर। फिर भी चलते थे ना, गिरती थी धम से वहाँ। सुने हो ना, बार बार चढ़ती है फिर गिर जाती है, लेकिन चढ़ तो जाती है ना। खाक चढ़ी, थोड़ा दूर चढ़ गई, 4 कदम चल ली तो चढ़ गई पहाड़ पर। कुछ भी,
फिर भी उसके बाद क्या हुआ, वहाँ थोड़ा वहाँ इंजॉय किए हम लोग, खूब इंजॉय किए, और इंजॉय करने के बाद हम लोग लौटने लगे अपने होटल की तरफ। और होटल की तरफ लौटते लौटते ही हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था, लगभग रात के कितना 9 बजे के करीब हम लोग पहुंचे थे होटल पर। सुबह इनको ऑफिस भी जाना, सुबह हमको ऑफिस निकलना था, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्दी चले जाए। और उस रात भी इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम रात में ही चले जाए क्या बस पकड़ के, क्या पता सुबह में नहीं मिले। और होटल वालों से पूछे तो होटल वाला कहे कि नहीं बस मिलेगा ही नहीं आपको सुबह, आप टैक्सी कर लो, डायरेक्ट चंडीगढ़ का टैक्सी कर लो। हम किराया पूछ रहे थे कितना लोगे, तो किराया 10,000 के करीब लगेगा। अरे भाई जो हम 500 से 600 रुपया में पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, हम आपको वहां पर हम 10,000 रुपया लगाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं जी हमें नहीं लेना है टैक्सी, हम देख लेंगे सुबह ही। फिर एक दोस्त था जो बताए थे कि शिमला में जो पढ़ाई किया था, उसको फ़ोन करके पूछे, उसने कहा कि सुबह तो आपको बस मिल जाएगी आराम से, कई सारी बस दिल्ली जाती है वो उस बस में भी तो आप आराम से बैठ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है सुबह निकल लिए और 4 बजे हम लोग निकल गए थे। और जब निकले वहाँ पर देखे क्या प्रेस वाली गाड़ी सब चल रही थी, तो जो अखबार सब मतलब गिराते हैं जगह जगह जा करके, किस्मत इतनी अच्छी थी जैसे हम लोग निकले तैसे हम लोग को गाड़ी मिल गई, वही गाड़ी मिल गई थी फिर, और सीधे बैठ गए और गाड़ी तुरंत भर भी गई और निकल ली वो। और लगभग कितना 300-300 रुपया लिया हम लोगों से, और आराम से बैठ करके मजे वहां से हम लोग चले आए, 2 घंटा पहले आ गए। हाँ जी, तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि हमारा खर्च क्या लगा शिमला के ट्रिप में। तो जी ये 2 दिन हम लोग वहाँ पर रहे थे, मैं चंडीगढ़ का तो खर्च नहीं बताऊँगा क्योंकि दिल्ली से कोई आएगा कोई कहीं से आएगा तो उसका खर्च अलग होगा। तो हम लोग सिर्फ शिमला में कितना खर्च लगा, तो हमारा शिमला में जो खर्च लगा था जो भी मोटा मोटी याद है आपको बता देते हैं। हमें ध्यान है कि 5,000 रुपये में 2 दिन के लिए होटल बुक हुआ था, और होटल के अलावा टंडा और कुफरी के लिए लगभग 2,500 रुपये का टैक्सी था, तो हो गए 7,500। और खाने में वहाँ पर खर्च हुआ था हमारा लगभग 2,500 के करीब खर्च हुआ था, तो 7,500 और 2,500 कितना हो गया 10,000 के करीब। और जो लोकल टूर में भी क्या खर्चा हुआ था, जाखू टेम्पल और ये सब, थोड़ा 10,000 हुआ था टोटल हम लोग का, 10 से 12,000 में मोटा मोटी 2 दिन में खर्चा हो गया था। तो इतना तो जी होता ही खर्च, बस थोड़ा खाने का मुझको लगा कि वहाँ कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब तो सही ही है जी। और जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए जी, मस्त जगह है, बहुत मज़ा आएगा आपको, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा शिमला में। तो जी आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।